कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए इलाज के साथ अच्छे वातावरण का होना भी उतना ही आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए वडोदरा के अस्पताल ने ऐसे कमरे तैयार किए हैं जो मरीजों को प्रकृति के करीब लाएंगे। तस्वीरों में देखिए कैसे एक कमरे की थीम नेचर पर आधारित है। मरीजों पर इलाज का असर हो इसके लिए नए तरीकों पर काम किया गया है। यहाँ घास, फूल और पौधों के साथ योग और धर्म मरीजों में पॉजिटिव ऊर्जा पैदा करने में मदद करेंगे। हम लोगों ने एक तो नेचर का सपोर्ट लिया है, जिसमें हम लोग ने रूम में पेबल्स है, ग्रास वगैरह की इफेक्ट है वो सब दिया है, प्लस स्पिरिचुअल और डिवोशनल भी हम लोगों ने इसमें कंसेप्ट डाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं रूम में ओम वगैरह के पिक्चर्स वगैरह हम लोगों ने रखे हैं। डिवोशनल के लिए आप देख सकते हैं, योगा वगैरह के ध्यान के लिए आपको बहुत अच्छा एक वर्किंग हम लोगों ने करके दिया है। जो हम ऐसा सोच रहे हैं कि आज के टाइम में जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसमें माइंड फ्रेश रखने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए और पॉजिटिविटी लाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों के लिए 100 बेड रिजर्व करवाए गए हैं। प्रशासन के आदेशों के अनुसार यहाँ मरीजों का इलाज होगा और इस खूबसूरत कमरे में मरीजों का दम भी नहीं घुटेगा। कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए वडोदरा जिला प्रशासन की ओर से अलग अलग जगह पर कोविड केयर 19 डेजिग्नेटेड केयर सेंटर्स बनाए गए हैं। वहां पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती मरीज के अंदर जिंदा रहने की ललक को बरकरार रखनी होती है, तब पॉजिटिव एनर्जी और प्राकृतिक सौंदर्य सबसे अहम रोल अदा कर सकता है। ऐसे में जैसी संगत ऐसा असर, ये कहावत यहाँ पर बिल्कुल ठीक बैठती है। कैमरामैन जितेंद्र राजपूत के साथ वशिष्ठ शुक्ला, गुजरात तक।